हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो रोबोटिकम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन से चार चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें और यूनिक चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी और आपके कंप्यूटर को काफी ज्यादा कस्टमाइज कर देंगी। और आपको कभी ना कभी, क्योंकि आपने कंप्यूटर यूज करते हो, काफी ज्यादा बोर हो जाते हो कि यार वही सेम चीजें कंप्यूटर में शो हो रही है, यार कुछ यूनिक नहीं है, चलाने का मन नहीं करता, तो वो सारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, आप जरूर देखना इस वीडियो को। तो वो नहीं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, मिलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि आप अपने लैपटॉप के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा, जब आप नेट यूज करते हो तो ऊपर आपको नेटवर्क स्पीड शो करता है रियल टाइम, जो कि हम कंप्यूटर में वो चीज मिसिंग करते हैं। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरी नेटवर्क स्पीड है, मैं कुछ भी ब्राउज करूंगा तो मोबाइल की तरह, एज ए मोबाइल में जैसे हमें शो होती है स्पीड, वो ऐसे ही यहाँ पे भी शो होगी। देखो, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो यार, ये देखो इसमें यार नेटवर्क स्पीड में रियल टाइम शो कर रहा है। तो आप भी इस टाइप से कर सकते हो, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके डेली लाइफ के लिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, अपने लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है नेट स्पीड मॉनिटर। ये लिखने के बाद जैसे आप एंटर करते हो तो आपको पहली वेबसाइट पे आना है, सॉफ्टपीडिया नाम की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको अभी के लिए फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही है ये। चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है और क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले डाउनलोड इट फाइल, ये देखो जो मेरे डेस्कटॉप पे, इसको आपको इंस्टॉल पे अभी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कंपैटिबिलिटी के ऑप्शंस पे आ जाना है और यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड, ये इस पे टिक करके और अप्लाई करके ओके कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद आप जब डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे तो ये इंस्टॉल बटन आ जाएगा। उससे पहले ये इंस्टॉल बटन नहीं आएगा आपका, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, ये मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपको शो नहीं होगा। तो उसको शो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करना है और आपको टूल बार्स में जाना है। टूल बार्स में जाने के बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पे नेट स्पीड मॉनिटर नाम से आ जाएगा, इस पर टिक कर देना आपको, तो ये मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो यार, ये शो हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाना है, इसकी सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपके कंप्यूटर में नेटवर्क अडेप्टर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे में ये है अडेप्टर है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड कौन सी चाहिए, MBPS, KBPS, जो भी है आप उसको यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अप्लाई ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपकी नेट की स्पीड मॉनिटर होने लग जाएगी, रियल टाइम आपको शो करने लग जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जो मैंने ये सेंड रिसीव लिखा है, आप इसकी जगह अप डाउन या डाउनलोड अपलोड स्पीड भी कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा, जो आप यहाँ पे लिख के अप्लाई करके ओके कर दोगे सेटिंग, वो आपकी चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोल्ड टेक्स्ट कर रखा है। तो इसके बाद आप सिंपली कभी भी कुछ भी इंटरनेट पे ब्राउज करोगे तो आपको रियल टाइम स्पीड देखने को मिलेगी। तो कितना कमाल की और अच्छी चीज थी, काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। दोस्तों, बात करते हैं हम सेकंड चीज की। आपने अपने मोबाइल के अंदर कभी ना कभी तो फोन्स चेंज किए होंगे, तो फोन्स स्टाइल आप चेंज करते हो मोबाइल में, क्योंकि यार आप काफी ज्यादा एक फोन से बोर हो जाते हो, यानी कि टेक्स्ट का स्टाइल। और ये चीज हम कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं, हमारा कई बार कंप्यूटर चलाने का मन नहीं करता, वही कुछ पुरानी चीजें हो जाती है, बोर हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो चलो इस चीज को कुछ नया करते हैं, अपने कंप्यूटर के फॉन्ट्स को चेंज करते हैं, कुछ कूल लुक देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे ये दिस पीसी जैसे लिखा है, ये सब इतने ओल्ड लग रहे हैं। और कोई भी आपको मैं फोल्डर्स खोल के दिखाता हूँ, उनके सबके टेक्स्ट जो है, ये सब सारे के सारे ये बिल्कुल ओल्ड टाइप लग रहे हैं जितने भी टेक्स्ट है। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को अलग से एक लुक दें, अलग से इनका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो स्टाइल उसको चेंज कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वो कैसे होगा। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप का ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है चेंज डिफॉल्ट फॉन्ट। ये लिखने के बाद जैसे आप एंटर करोगे,
आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, हाउ टू चेंज डिफॉल्ट फोन, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ये देखो यहाँ पे पूरा गाइड भी दे रखा है आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस चीज को कॉपी कर लेना है, इस चीज को कॉपी कर लेना है और बैक आ जाना है। अब अपने कंप्यूटर में आके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उस चीज को आप यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। अब हमें फॉन्ट अप्लाई करना है तो कैसे करें? सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे सर्च कर लेंगे फॉन्ट्स, तो हमारे कंप्यूटर में शो हो जाएंगे हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट हैं। अब देखो कितने सारे फॉन्ट आपकी स्क्रीन के आगे आ रहे हैं। देखो अब इनमें से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर लो, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया, या कोई भी दूसरा मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। कोई सा भी आप अच्छा सा चूज कर लो यहाँ पे जो भी आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई करके देखता हूँ, मेरे को ये पसंद आ गया। तो सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है ये इसको कॉपी कर लेना है। अब आ जाते हैं हम वापस से उसी टेक्स्ट फाइल में। अब आपको जो वो उसका टेक्स्ट का जो भी अप्लाई करना है उसका फुल नेम को आपको यहाँ पे इनके अंदर डाल देना है। चलो हम इनके अंदर डालते हैं, क्या नाम था वो हम देख लेते हैं एक बार। और इसके अंदर उस नाम को एज इट इज आपको उस नाम को डाल देना है यहाँ पे, जैसे लिखा है ए वाई एल आई एन स्पेस एन ओ आर एम ए एल। ये डालने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव एज। सेव एज करने के बाद आपको यहाँ पे वही लिख देना है यहाँ पे जो नाम था जो आपने यहाँ पे लिखा था। ये लिखने के बाद आपको लगाना है डॉट आर ई जी। ध्यान से देखना दोस्तों, ये डॉट आर ई जी पूरा खेल चेंज कर देगा इस चीज का। यहाँ पे जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे नई फाइल क्रिएट हो गई। देखो अब ये आपकी फॉन्ट वाली फाइल है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करना और मर्ज पे क्लिक कर देना। जैसे आप मर्ज कर दोगे तो ये आपसे पूछ रहा है यस और नो, आपको यस कर देना। जैसे आप यस को देखो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। अब ये आपका फॉन्ट एडिट हो चुका है, आपको क्या कर देना है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना। और जैसे आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे इसके बाद सारे फॉन्ट्स आपको चेंज मिलेंगे। देखो यार हमने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया और देखो हमारा फॉन्ट स्टाइल कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज्यादा यूनिक हो चुका है। आपको इस ट्रिक की मदद से जो भी जो ओल्ड स्टाइल था वो नया हो जाएगा एकदम से बिल्कुल, और बहुत सुंदर लग रहा है कंप्यूटर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा फॉन्ट स्टाइल हर एक चीज का, देखो बिल्कुल एकदम से नया चेंज हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग क्या होने वाली है हमारी? नेक्स्ट सेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर होने वाली है। यानी कि यार आज के टाइम में आप जो भी लैपटॉप लेते हैं उनमें कोई ना कोई ग्राफिक्स कार्ड तो जरूर होता है, तो आप उस ग्राफिक्स कार्ड की यूज लेके कंप्यूटर के एप्लीकेशन को फास्टली ओपन करें, ये फास्टली उसमें काम कर सकते हो उसका आपके अपने ग्राफिक कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड का यूज करके। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको चले जाना है ग्राफिक्स सेटिंग्स पे। ध्यान से देखना दोस्तों ये काफी ज्यादा अलग चीज है। यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे अगर वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे है तो आपको डेस्कटॉप एप्स के अंदर आ जाना है और ब्राउज कर देना है। ब्राउज करने के बाद ये जो भी एप्लीकेशन आपने, जैसे मैंने ब्राउजर्स डाल रखा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपको आ जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको, जैसे कि मैंने ये ब्रेव ब्राउजर डाल रखा है, तो इसका ब्रेव ब्राउजर के फोल्डर के अंदर आ जाना है आपको। और एप्लीकेशन यहाँ पे देखो ये ब्रेव ब्राउजर की एप्लीकेशन आ गई, इसको यहाँ से ओपन करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी एडिट दिखा रहा है तो मैंने ऐड करके। उसके बाद आपको ऑप्शंस पे आ जाना है और अपना यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना, जो कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट हो चुका है, और सेव कर देना है। इसी टाइप से आप बाकी जितने भी एप्स एप्लीकेशंस को आप ऐड करते जाओगे, और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो वो एप्लीकेशन पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पीडली काम करेगा और आपके लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। आखिर में दोस्तों बोनस ट्रिक क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, सभी को बताने वाला हूँ कि आप HD 4K रेजोल्यूशन तक आप वॉलपेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हो कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगा।
सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, वहां पे लिख देना है unsplash.com। ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर मारोगे तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इस वेबसाइट से आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के वॉलपेपर्स हैं। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर वॉलपेपर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करके और अप्लाई कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर। जैसे कि मैं ये आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये देखो डाउनलोड आने के बाद सेव कर देता हूँ तो मेरी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ डाउनलोड हुआ है, और मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करता हूँ सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब देखो यार ये अप्लाई हो गया। ये देखो यार कितना अच्छा कंप्यूटर में लुक लग रहा है कंप्यूटर का, देखो आप खुद ही। तो इसी टाइप से आप फॉन्ट को अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स को चेंज करके, अपने ग्राफिक्स कार्ड का यूज करके, अपने परफॉर्मेंस को इनहांस करके आप यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।